नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डॉक्टर राम सिंह सोलंकी होमपैथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज अपन बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी के बारे में। दोस्तों, गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियसिस भी कहा जाता है। इसमें अपन पहले बात करेंगे किडनी कैसे वर्क करती है बॉडी के अंदर, या किडनी क्या होती है, क्या करती है बॉडी में, इसके लिए अपन बात करेंगे। दोस्तों, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है अपने बॉडी के अंदर जो क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। और ये किडनी जो अपने बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन के साथ बाहर निकालती है। वैसे के वैसे फिल्टर हुआ ब्लड अपने बॉडी के अंदर किडनी फिल्टर करके पुनः वापस बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई वापस होती है। किडनी एक और काम करती है, एसिड बेस का बैलेंस भी बनाती है। उसके साथ साथ वाटर, जो वाटर का बैलेंस होता है वो भी किडनी मेंटेन करती है। साथियों, किडनी स्टोन का होना मुख्य कारण है पानी का कम इंटेक करेंगे, पानी अगर हम कम पिएंगे, जो यूरिन अपना वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकालती है, जो वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा करती है, अगर हम पानी कम पिएंगे तो वो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और क्रिस्टल के रूप में बनना शुरू हो जाएगा और बन के ये स्टोन का रूप ले लेगी। इसी तरह अगर हम कैल्शियम और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो किडनी स्टोन ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर हम नमक और प्रोटीन डाइट, जैसे कि है मटन है, चिकन है, पनीर है, फिश है, और दूध अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और हमारे बॉडी के अंदर तीन ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी को बनाने नहीं देते हैं। फर्स्ट तो वो होता है साइट्रेट, सेकेंड होता है विटामिन B6, थर्ड होता है मैग्नीस। अगर जिन पेशेंट के अंदर, जिन आदमी के अंदर ये तीन तत्व अगर कम होते हैं तो उसमें किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर, अपन बात करेंगे किडनी में स्टोन कैसे बनता है। हमारी किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करके उस वेस्ट मटेरियल को क्रिस्टल के रूप में एक फॉर्म, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में यूरिन के द्वारा बाहर निकालते हैं। ये ही क्रिस्टल आपस में मिलकर एक स्टोन का रूप, मतलब एक स्टोन को फॉर्मेशन दे देते हैं। जब यही स्टोन किडनी से होते हुए यूटेरो पेल्विक जंक्शन से पास होते हुए यूरेटर से पास होते हुए ब्लैडर में जाते हैं तो यूरेटर में कई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इस पथरी की वजह से। उसकी वजह से पेशेंट को इतना असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय पेन होता है कि पेशेंट बैठ ही नहीं पाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। स्टोन चार प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो 70-80% होता है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो 5-10% होता है। फिर आएंगे अपन यूरिक एसिड वाले स्टोन, जिसकी मात्रा 5-10% होती है। फिर आते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन, जो कि 10-15% तक होते हैं। जो लास्ट में जो है वो सिस्टीन स्टोन होते हैं, जो बहुत ही मिनिमम चांसेस, मतलब बहुत ही मिनिमम पाया जाता है या मिनिमम होते हैं, वो होते हैं 1-2% के अंदर। साथ ही अपन बात करेंगे कैल्शियम स्टोन के बारे में। कैल्शियम स्टोन पहले भी मैंने बात की थी, कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट दो तरह के होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट किस कारण होते हैं कि जैसे अपन ज़्यादा सेवन करते हैं आलू की चिप्स, मूँगफली, चॉकलेट, चुकंदर, पालक, या इसका अधिक मात्रा में सेवन करने की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट का डेवलप या कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी का डेवलप होने के चांसेस होते हैं। फिर अपन बात करते हैं यूरिक एसिड के स्टोन। यूरिक एसिड का स्टोन उन लोगों में होता है जिनके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, जिनको गंठिया का रोग हो, उसमें ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। साथ साथ ये लोग ज़्यादातर जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे सेलफिश है, मछली है, या मांस का जो अपन कहते हैं एनिमल जो मीट होते हैं उसका सेवन करते हैं, उसमें यूरिक एसिड स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर अपन लेते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है वो उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादातर यूरिन या UTI इन्फेक्शन से गुजरते हैं, उनमें ज़्यादा स्ट्रोवाइट स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अपन लेते हैं सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो एक ऐसा स्टोन है जो अनुवांशिक
के कारण आता है या कोई डिजीज है अनुवांशिक के कारण, उसके कारण एसिस्टेंट स्टोन होता है। अब अपन बात करते हैं किडनी स्टोन के क्या क्या लक्षण होते हैं। किडनी स्टोन जब होता है तो पेशाब करते वक्त असहनीय पीड़ा होगी, यूरिन के साथ या मूत्र के साथ खून आएगा, यूरिन में गंध आएगी, पेशाब बार बार करने की इच्छा होगी, यूरिन करते वक्त हल्की सी जलन होगी, बार बार पेशाब आएगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा। अगर दोस्तों किडनी की स्टोन की शिकायत पहले से भी है तो उसमें ये सिम्टम्स उत्पन्न होंगे, जैसे उल्टी का आना, वॉमिटिंग होना, उसको ठंड लगेगी और फीवर भी आएगा। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि उस स्टोन की वजह से यूरिन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक के अंदर उनको इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन की वजह से उनको फीवर भी आएगा, ठंड भी लगेगी और असहनीय पीड़ा भी होगी। उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन के कारण यूरिन के साथ ब्लड भी निकलेगा और पेशाब करते वक्त दर्द होना संभव है। अब अपन बात करेंगे किडनी स्टोन को कैसे डायग्नोज करेंगे। फर्स्ट तो अपन ये करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उस ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता करेंगे कि कैल्शियम कहीं ब्लड में या यूरिक एसिड कितना ब्लड के अंदर है। फिर अपन करवाएंगे यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के साथ अपन करवाएंगे USG अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिससे किडनी की साइज का पता लगेगा। अब अपन बात करते हैं किडनी स्टोन से कैसे बचा जा सकता है। अतिरिक्त मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना है, दिन में 3 से 4 लीटर लगा पानी पीना है आपको। नींबू और संतरे मतलब सिट्रिक एसिड या विटामिन सी का सेवन अधिक मात्रा में करना है। साथ साथ कैल्शियम वाली चीज़ें या प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो कम करना है। पशु प्रोटीन एनिमल जो मीट है या एनिमल प्रोटीन्स है वो आपको जितना हो सके कम लेना है। इसके साथ साथ चॉकलेट, पालक, रेवत चीनी, चाय और ड्राई फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल कम करना है। इसलिए जो मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई हैं या जो अपन को प्रिकॉशन बताए हैं ये कम करना है और पानी का सेवन अधिक से अधिक करना है। अब अपन बात करेंगे पथरी या स्टोन के अंदर कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन काम में आती हैं पथरी को निकालने के लिए। फर्स्ट जो मुख्य मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गरिस। बर्बेरिस वल्गरिस हम जब यूज़ लेंगे जब लेफ्ट साइड के अंदर स्टोन हो और किडनी के अंदर सीवियर पेन हो। ये पेन राइट से होते हुए लेफ्ट में आएंगे तो भी हम बर्बेरिस वल्गरिस काम में लेंगे। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन लेने जा रहे हैं वो है लाइकोपोडियम। जिस समय राइट साइड किडनी के अंदर स्टोन हो और भयंकर पेन हो तो हम लाइकोपोडियम का यूज़ करेंगे। उसके बाद साथ ही अपन लेंगे कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन। कैल्केरिया कार्ब जिस समय यूरिन पास करते वक्त या जिस समय पथरी निकल रही है तो उस समय ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी या पथरी को तोड़ने में कैल्केरिया कार्ब अच्छी काम करती है। फिर अपन आते हैं हाइड्रेंजिया। ये हाइड्रेंजिया एक ऐसी मेडिसिन है जो ग्रेविल को ब्रेकिंग करके तोड़ के स्टोन को प्रेशर देके बाहर निकालेगी। फिर आती है जो अपनी मेडिसिन है सीरम एंगुलाई। सीरम एंगुलाई एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरिन बहुत कम मात्रा में बन रहा हो, यूरिन को पास होते वक्त बहुत परेशानी हो रही हो या यूरिन बन ही नहीं रहा हो तो हम सीरम एंगुलाई मेडिसिन का उपयोग करते हैं। फिर आती है अर्टिका यूरेंस मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं, क्लीजिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी अंदर ग्रेविल्स या स्टोन पड़े हैं अर्टिका यूरेंस उसको साफ करके बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट मेडिसिन पे आते हैं सरसा प्रेला एक ऐसी मेडिसिन है लोअर एब्डोमिन में पेन हो, उसके साथ साथ पेशेंट खड़ा होके यूरिन करेगा तो यूरिन पास नहीं होगी, लेकिन बैठ के करेगा उसके आसानी से पास होगी। मतलब लोअर एब्डोमिन में पेन होगा तो पेशेंट को उनको सरसा प्रेला काम में लेनी है। फिर एक मेडिसिन आती है कैंथेरिक एक ऐसे मेडिसिन है जैसे किडनी में स्वेलिंग हो गई हो, तेज फटने वाला भयंकर दर्द हो, पेशाब टपक टपक के आ रही हो और भयंकर जलन हो तो अपन कैंथेरिस का उपयोग करेंगे। लास्ट में अपन बात करते हैं पेरेरा ब्रेवा मेडिसिन जो एक मदर टिंचर है। अगर दोस्तों किडनी में स्टोन लंबे समय तक पड़ा हुआ है और निकलना मुश्किल है तो अपन इस मदर टिंचर का उपयोग करेंगे। साथियों जो अपन अभी मेडिसिन के बारे में डिटेल में बात की है वो मेडिसिन पथरी को निकालने के लिए बहुत अच्छी उपयोगी है, लेकिन इस मेडिसिन का उपयोग किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के सलाह के बगैर आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इस मेडिसिन का अलग अलग सिम्टम के अलग अलग मेडिसिन आती है। इसलिए दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलके ही इस मेडिसिन का उपयोग करें। अच्छा दोस्तों
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।